राजकीय स्नातक महाविद्यालय डाकपत्थर के एनसीसी कैडेटों द्वारा पुनित सागर अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत यमुना नदी के आसपास पड़े प्लास्टिक कचरे को इकट्ठा करने के लिए कार्यक्रम चलाया गया। बताते चलें कि ये कार्यक्रम 29 यूके बटालियन देहरादून के सीओ कर्नल सुधीर सेठ की प्रेरणा से चलाया गया। कर्नल सेठ ने सभी एनसीसी अधिकारियों को कैडेटों के साथ कूड़ा निस्तारण कर आम जनता को जागरूक करने का आह्वान किया। कूड़े को इकट्ठा कर जनजागरण समाज सेवा संस्था डाकपत्थर से कार्यक्रम में आए शोभित गोयल और आकाश नयन को सुपुत्र किया गया। महाविद्यालय के प्राचार्य ने एनसीसी कैडेटों को संबोधित करते हुए कहा कि हमें प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करना चाहिए, घर में कपड़े का थैला बनाएं और बाजार में उसी से सामान लाना चाहिए, इससे प्लास्टिक को नियंत्रित किया जा सकता है। इस अवसर पर बटालियन से आए सेना अधिकारी एवं प्रशिक्षक सचिन छेत्री, एनसीसी अधिकारी डॉक्टर अमित कुमार गुप्ता, सीनियर अंडर ऑफिसर गौरव कुमार, अंडर ऑफिसर विशाल, अंकिता, प्रिया, ज्योतिष, सचिन, नीतू एवं अन्य कैडेट उपस्थित रहे। बिल्कुल, मेरा नाम सोमिल गोयल है और मैं जनजागरण समाज सेवी संस्था का मेंबर हूं और आज एनसीसी द्वारा ये कूड़ा इकट्ठा करके हमारी संस्था को सौंपा गया है ताकि हम इसका निस्तारण अच्छी तरीके से और सही जगह पर कर सकें। तो हम चाहते हैं कि ऐसे अभियान आगे भी चलते रहें और ये मैं मानता हूँ कि सिर्फ एक संस्था या कॉलेज के बच्चों की ड्यूटी नहीं है, ये हर एक इंडिविजुअल की ड्यूटी है। जब तक हर एक इंडिविजुअल अपने आप नहीं समझेगा इस चीज़ को, तब तक स्वच्छ भारत बनाना बहुत ही मुश्किल है। इधर हमारी संस्था का समस्त उत्तराखंड है और हम पूर्व में भी काफ़ी काम करते आए हैं, जैसे स्वच्छता अभियान हो गया, रक्तदान शिविर हो गया। हमारी संस्था के अनेकों कार्य हैं लेकिन उसमें से एक महत्वपूर्ण विषय ये है हमारा स्वच्छता अभियान, तो हम इसके साथ भी जुड़े हुए हैं। This is Cadet Komal and we all are here for the Puneet Sagar Abhiyan. It was started by NCC on 1st December 2021. The main purpose of Puneet Sagar Abhiyan is to clean all the sea source and clean all the waste materials from the sites. And why we are talking about plastics? The main purpose is to clean the plastic because plastic is the biodegradable substance which is not decomposed. So it's mandatory to clean your sea source and the rivers to drink clean water. And by doing this, we all are provided with the good clean water, and all the aquatic animals also be helpful by this. Message for the youth is that clean your surrounding and never throw the waste on the water. Thank you. ये स्वच्छता अभियान पुनीत सागर अभियान के तहत जो कि एनसीसी के द्वारा शुरू किया गया था 1 दिसंबर 2021, उसके तहत अभी तक हमारा 12 लाख जो एनसीसी कैडेट से उन्होंने कम से कम नहीं तो 10 टन कूड़ा इकट्ठा कर चुके हैं और जो भी हमारे जैसे अभी यहाँ पे एनजीओ खड़े हैं इनको हैंडओवर किया जा चुका है ताकि वो रियूटिलाइज हो जाए, क्योंकि तो अगर प्लास्टिक को हम यूज़ करते हैं, फेंक देते हैं, हमारी नदियाँ ख़राब हो रही हैं, हमारे समुद्र तट ख़राब हो रहे हैं। अगर हमारा कूड़ा कचरा समुद्र में जाएगा तो वो पूरा दूषित करता है हमारे पर्यावरण को, और उसी पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए, क्योंकि हमारे पास एनसीसी कैडेट्स, अगर हम भारत की बात करते हैं, भारत में कम से कम नहीं तो 16 लाख कैडेट्स हैं हमारे पास। 16 लाख कैडेट्स अगर इस तरीके से अपने अपने प्रदेश में, अपने अपने शहरों में, अपने अपने गाँवों में लग जाएँ समुद्र को, अपना नदियों को, जो झील हैं उन इलाकों को साफ़ करना शुरू करेंगे ताकि समुद्र में कूड़ा इकट्ठा ना हो। अगर समुद्र स्वच्छ है तो हम भी स्वच्छ हैं, क्योंकि हमने पानी वही पीना है जो समुद्र से भूमि के अंदर जा रहा है या नदियों से हमारे पास आ रहा है। इसी में सर बहुत सारी एक्टिविटी की जाती हैं, जैसे अभी एक पुनीत सागर अभियान है, इसके अलावा स्वच्छ सागर का अभियान अभी चला था इससे पहले, और हमारा प्लास्टिक पॉइजनस प्लास्टिक को मतलब किस तरीके से हम लोगों ने निस्तारण करना है उसका, और उसके अलावा बहुत सारी गतिविधियाँ हैं, जैसे कि अपना पर्सनली अगर बात करते हैं कैडेट्स के लिए माउंटेनियरिंग है, पैरासेलिंग है, उसके अलावा आपको रिवर राफ्टिंग और कैंप्स कराए जाते हैं बहुत सारे, जिसमें इनको पता लगता है कि सेना में क्या होने वाला है। और हम इनको युवाओं को इसलिए एनसीसी में भर्ती करते हैं ताकि इनको लगे कि हम लोग अगर सेना में भर्ती हो जाते हैं तो हमने क्या क्या गतिविधियाँ करनी है, तो इनको इस तरीके से एक प्रेरणा मिल जाती है कि सेना में भर्ती होने के लिए। कैडेट्स आज लगभग पछुआ दून के सभी कॉलेजों के बच्चे होंगे, लेकिन हमारे पास अभी डिग्री कॉलेज डाकपत्थर एक ही है जहाँ पर हम लोग अपना बी और सी सर्टिफिकेट कंप्लीट करते हैं, तो पछुआ दून में सिर्फ एक ही ये महाविद्यालय है जहाँ पर सी सर्टिफिकेट आपका कंप्लीट होता है सर।